टी20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल की रेस काफी दिलचस्प हो गई है और खास तौर से ग्रुप टू जो कि भारत का ग्रुप है उसमें ये रेस काफी दिलचस्प हो गई है क्योंकि सेमीफाइनल के लिए जगह एक बची है और उसके लिए तीन तीन टीमें जो हैं वो दावेदार हैं। अफगानिस्तान की टीम भी दावेदार है सेमीफाइनल में जाने के लिए, न्यूजीलैंड की टीम भी दावेदार है और इंडिया की टीम भी दावेदार है सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने के लिए। लेकिन टीम इंडिया की किस्मत की चाबी जो है वो अफगानिस्तान के हाथों में है। अब आप सोचेंगे कैसे, ये सब आपको बताएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों करोड़ों हिंदुस्तानी जो हैं वो क्यों न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के मुकाबले में अफगानिस्तान की जीत की दुआ मांगेंगे। दरअसल अब अगर भारत को सेमीफाइनल का टिकट हासिल करना है तो उसमें अफगानिस्तान की टीम जो है वो अहम रोल अदा कर सकती है। अब आप कहेंगे कैसे, चलिए पहले आपको ये बताते हैं कि कल भारत ने स्कॉटलैंड के खिलाफ जो जीत दर्ज की है उससे टीम इंडिया का नेट रन रेट जो है वो बेहतर हो गया है। यानी कि टीम इंडिया की एक जो उलझन थी वो सुलझ गई है कि टीम इंडिया अपना अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड से रन रेट जो है वो बेहतर कैसे करे। और टीम इंडिया ने कल स्कॉटलैंड के खिलाफ जिस तरीके से जो 86 रनों का लक्ष्य मिला था उसे सिर्फ 39 गेंदों में हासिल कर लिया, उससे टीम इंडिया का नेट रन रेट जो है वो न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान से बेहतर हो गया। आप देख सकते हैं कि ग्रुप टू में पाकिस्तान की टीम टॉप पर है, इन्होंने 4 मुकाबले खेले और 4 जीते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ग्रुप टू में दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड की टीम। न्यूजीलैंड की टीम ने 4 मुकाबले खेले हैं, 3 जीते हैं, 1 हारे हैं और इनके हैं 6 पॉइंट। उसके बाद आता है टीम इंडिया का नंबर। टीम इंडिया ने 4 मुकाबले खेले हैं, 2 जीते हैं, 2 हारे हैं। लेकिन यहां पर नेट रन रेट देखिए, इंडिया का नेट रन रेट जो है अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा है। लेकिन अब टीम इंडिया को अंकों की दरकार है और ये अंक कैसे मिलेंगे, अगर टीम इंडिया जो है नामीबिया को हरा देती है और वहीं अगर अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हरा देती है कल होने वाले मुकाबले में, तो टीम इंडिया, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड इन तीनों ही टीमों के 6-6 अंक हो जाएंगे और टीम इंडिया का नेट रन रेट जो है वो बेहतर है तो टीम इंडिया सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि करोड़ों हिंदुस्तानी जो हैं अब अफगानिस्तान की जीत की दुआ मांगेंगे क्योंकि टीम इंडिया की सेमीफाइनल की टिकट की चाबी जो है वो अफगानिस्तान के हाथों में है। अगर अफगानिस्तान की टीम न्यूजीलैंड को हराएगी तो टीम इंडिया सेमीफाइनल में जाएगी और अगर न्यूजीलैंड की टीम जीत गई तो फिर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए थ्रू हो जाएगी। अफगानिस्तान की टीम के पास ऐसे स्पिनर्स हैं, मिस्ट्री स्पिनर्स हैं जो बड़ी बड़ी टीमों को मात दे सकते हैं और न्यूजीलैंड के लिए कहा भी जाता है कि 1-2 खिलाड़ियों को छोड़ दें तो उनके बल्लेबाज जो है वो स्पिन को उतना अच्छा नहीं खेल पाते हैं। जैसे राशिद खान हो गए, मुजीबुर रहमान हो गए, मोहम्मद नबी हो गए, ये न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का टेस्ट ले सकते हैं और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि अब अफगानिस्तान के पास भारत की किस्मत की चाबी है। अगर अफगानिस्तान की टीम उस मुकाबले को जीतती है और न्यूजीलैंड को मात दे देती है तो टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल के दरवाजे खुल जाएंगे, नहीं तो फिर न्यूजीलैंड की टीम जो है वो सेमीफाइनल का रास्ता तय करेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस अहम मुकाबले में क्या अफगानिस्तान जो है वो न्यूजीलैंड को मात देता है और भारत के लिए सेमीफाइनल का रास्ता जो है वो खोल देता है या फिर न्यूजीलैंड की टीम जो है अपनी किस्मत खुद लिखती है और सेमीफाइनल का रास्ता तय करती है।